नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीटीई एंड टीसी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से टीटीई एंड ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर और टिकट कलेक्टर के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं, इनकी पूरी डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2023 ओवरव्यू के बारे में। अगर हम बात कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका इंडियन रेलवेज रहेगा, आईआर की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। बोर्ड नेम के बारे में बात कर ले तो रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड आरआरसीबी की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। रिक्रूटमेंट नेम आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं, आरआरबी टीटीई रिक्रूटमेंट आपका जो है रिक्रूटमेंट नेम रहेगा। एंड टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 7784 वैकेंसीज आपको एक्सपेक्टेड यहां पर देखने को मिल जाएंगी। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एंड पोस्ट नेम के बारे में बात कर ले तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई और टिकट कलेक्टर के पद पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। इसी के साथ में ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। पे स्केल आपको यहां पर 21,700 से 81,000 रुपए तक पर मंथ सैलरी यहां पर मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छा खासा पे स्केल आपका यहां पर बनने वाला है। इसी के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितने भी अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी indianrailways.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 7784 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। टिकट क्लर्क एंड इसी के साथ में गुड्स गार्ड और टीटीई के पद पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। टोटल यहां पर 7784 वैकेंसीज रखी गई हैं। अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन रहेगा एंड जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सो आप अपने होम स्टेट में या फिर आप अपने जो है किसी भी होम स्टेट में जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पर आप अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। इसी के साथ में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की जॉब है एंड मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको यहां पर 21,700 से 81,100 रुपए तक रेलवे टीसी के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एंड एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें तो देखिए, जनरल ओबीसी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। साथ ही में एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैश कार्ड और बैंक चालान के माध्यम से इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है और 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 18 से 35 साल मैक्सिमम एज यहां पर रखी गई है। 1 जून 2023 तक आपकी एज को यहां पर काउंट किया जाएगा एंड एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की एंड ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपका कोई भी फीजिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ना ही आपसे कोई हाइट ली जाएगी, ना ही आपका यहां पर कोई रनिंग टेस्ट होने वाला है। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे, रेलवे टीसी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है, तो देखिए आपके पास में फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका लाइट बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए 10th और 12th पास का एंड इसी के साथ में 8th पास का भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजल्ट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आप अपने आधार कार्ड को लगा सकते हैं।
इसी के साथ में दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुका है, 12th क्लास पास कर चुका है या फिर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर चुका है, चाहे उसने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो, आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड सिलेबस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो रिटन टेस्ट आपका सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट रहेगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। एंड इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो देखिए आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 10 जून 2023 से स्टार्ट होंगे। सो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 10 जून 2023 से इजिली सबमिट कर पाएंगे। एंड दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करें कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों इंपोर्टेंट लिंक्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।